बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का चैनल रिचर्ड एकेडमी में स्वागत है। वो सभी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से और क्लास सेवेंथ में हैं, आज उनके लिए मैं साइंस का पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ, न्यूट्रिशन एंड प्लांट। सिक्स क्लास के अंदर आप लोगों ने फूड वाला चैप्टर पढ़ा है, जो आपका साइंस का पहला चैप्टर था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो सोर्स ऑफ फूड है, हमारा जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है वो हमारा प्लांट है। और प्लांट्स जो होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और एनिमल्स और बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अदर क्रिएचर्स जो हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो है वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। आज जो सेवन्थ क्लास में हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे एडवांस लेकर के चल रहे हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं और न्यूट्रिशन के मोड्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। इसके बाद फूड प्लांट्स में जो हमारा डायरेक्ट सोर्स है, प्लांट्स जो है हमारे फूड के डायरेक्ट सोर्स है, तो प्लांट्स किस तरह से डायरेक्ट सोर्स है हमारे लिए फूड के लिए, और कैसे वो फूड को जनरेट करता है, फूड को कैसे वो बनाता है, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है, फोटोसिंथेसिस वो क्या चीज होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और तो यही हमारे पास टॉपिक्स हैं कुछ, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, इनको जरूरत होती है फूड की। और फूड की जरूरत इनको क्यों होती है, सिंपल सी है, आपके पास में तीन बेसिक फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है आपका टू ऑब्टेन एनर्जी, दूसरा है टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, और टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए। द प्रोसेस ऑफ लिविंग फूड, अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या आती है, यहां पर देखिए, अब कर्सर आपको दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन लेने की वो प्रक्रिया, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड, और उसी जिस भोजन लेते हैं उसको जब वो यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको यूटिलाइज करने का करना भी जो है वो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड, ठीक है, वो आपके पास में न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी जब वो उस भोजन को लेते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, तीन जगह पर करते हैं, कहाँ, एनर्जी के लिए, उसके बाद फॉर ग्रोथ के लिए, और रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तीन तरीके से वो उस भोजन की यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ये सब मिलकर के आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है के मोड दो होते हैं, ठीक है, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है आपके, कौन कौन से, एक है ऑटोट्रॉफ जिसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड बोलते हैं, और एक है हेटरोट्रॉफ जिसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल सब्सटेंसेस के द्वारा अपना खुद का भोजन बना सकते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कहलाता है। अब सिंपल सब्सटेंसेस कौन से, अगर आपसे पूछता है कि सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, तो सिंपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल सब्सटेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंपली इजीली आपको अवेलेबल है, इसलिए सिंपल सब्सटेंसेस हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब भोजन इन सिंपल सब्सटेंसेस के द्वारा किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो उस हम प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद का बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है, और उनका ये जो ढंग है इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसीलिए सभी ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, वो इन सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा है अपना खुद का भोजन बना देते हैं इन देयर सराउंडिंग बाय द फोटोसिंथेसिस, और उस भोजन को बनाने के लिए उसे जिस विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल वो करते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। इन अदर वर्ड, अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, लीड प्लांट्स जितने होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट्स। ऑटोट्रॉफ में होता क्या क्या है, उसमें एक छोटे छोटे से हरे हरे से कण होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उनको हम ग्रीन पिगमेंट्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वॉटर क्लोरोफिल्स, आप कहेंगे ग्रीन पिगमेंट्स आर द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। कहीं भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहां पर जो है आपका पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए वो ग्रीन है। पौधों का, पत्तियों का रंग जहां पर भी है वो ग्रीन कलर का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट ओवर देयर, क्योंकि वहां पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प देम मेक फूड। और ये ग्रीन पिगमेंट्स और क्लोरोफिल यही मदद करते हैं उनके द्वारा भोजन बनाए जाने पर ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन्स, आपको पता है ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन एंड हैंस सिंथेसाइजेस, और इसीलिए सिंथेसाइज करने का मतलब होता है बनाना देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। जैसे आप फिगर वन में देखिए, ये दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका होता है। द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ग्रीन प्लांट्स जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, ना केवल खुद के लिए, दे ऑल्सो मेक फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए भी भोजन तैयार करते हैं एज वेल एज फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी करते हैं। एवर बॉडी, ठीक है, और हमारा शरीर और अन्य जानवरों का शरीर वो भोजन नहीं बना सकता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, जो कि हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो इन सिंपल सब्सटेंसेस से भोजन नहीं बना सकता बिकॉज अवर बॉडी डज नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रीन पिगमेंट्स ही नहीं होते। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब काम ही वही करेगा जहां पिगमेंट्स ग्रीन पिगमेंट्स, तो ग्रीन पिगमेंट्स हमारी बॉडी में तो है नहीं, किसी जानवर की बॉडी में ग्रीन पिगमेंट्स है नहीं, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां हो नहीं सकता, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकता, ठीक है। द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू अब्सॉर्ब एनर्जी, और क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल हो जिनको हम बोलते हैं ये जरूरी होते हैं, क्योंकि यही सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या है, जानवर कौन कौन क्या हो गए, एनिमल्स कौन हो गए, या हम कौन हो गए, हम हेटरोट्रॉफ्स हो गए, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ्स क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही है, दोज आर ओनली व्हिच कैनॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है, एंड टेक फूड, और उनको ग्रीन प्लांट्स पर आश्रित होना पड़ता है या एनिमल्स पर आश्रित होना पड़ता है, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जिसमें इंसान भी शामिल हैं, ये सब के सब हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड, कि वो फोटोसिंथेसिस से फूड बना नहीं सकते, इसलिए दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, और इसी से एक फूड चेन बना है। आपको पता है प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफिक हैं, उन्होंने अपना भोजन बनाया, उसको किसी हर्बीवोरस जानवर ने, जैसे आप मान लीजिए गोट ने खा लिया, तो गोट ने खा लिया तो उसने उससे क्या है वो फूड ले लिया, और फूड लेने के बाद में क्या है उसको, अब उस गोट को किसने खा लिया, किसी कार्निवोरस ने, किसी शेर ने खा लिया, तो क्या हुआ, जो प्लांट से उसने फूड लिया था और फूड लेकर के वो न्यूट्रिएंट्स उसने अपने अंदर लिए, उसी न्यूट्रिएंट्स को शेर ने उसको खा करके ले लिए, तो डायरेक्टली जो गोट थी वो डायरेक्टली किस पर बेस्ड थी, प्लांट्स पर, लेकिन लायन जो है वो क्या है, डायरेक्टली बेस्ड नहीं था, वो इनडायरेक्टली बेस्ड था प्लांट्स पर, क्योंकि उसने न्यूट्रिशन कहां से लिया, गोट से लिया, सिंपल। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंजाई, अब हम एक नॉन ग्रीन प्लांट्स को लेते हैं, इसको हम फंजाई कहते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया वो एक फंजाई है, ईस्ट हो गया, या ब्रेड मोल्ड हो गया, आप ब्रेड मोल्ड का मतलब समझ सकते हैं कि जो ब्रेड आप खाते हैं उसमें जो ग्रीन ग्रीन सा आप देखते हैं जब खराब होती है, ग्रीन ग्रीन से उसमें पैचेस से बन जाते हैं, वो ग्रीन ब्रेड माउल्ड है, वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो खुद अपने भोजन को नहीं बनाते। सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफ्स, ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स जिसमें इंसान भी शामिल है, आर कैटेगराइज, उसको भी वर्गीकृत किया जाता है हेटरोट्रॉफ्स के रूप में, बिकॉज क्यों,
क्योंकि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन तो बना नहीं सकते, तो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो वो किस पर आश्रित हैं? प्लांट्स पर आश्रित हैं, दूसरे जानवरों पर आश्रित हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, अपने भोजन के लिए। इसीलिए सभी जानवर जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, बकरी है, काओ है, बफेलो है, डियर है, लायन है, टाइगर और ह्यूमन बींग्स, ये सब के सब हेटरोट्रॉप्स हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम अभी बात कर रहे थे बहुत देर से भोजन बनाना, अपना भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस भला क्या है? ठीक है, और ये प्लांट्स जो है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, कि प्लांट हम कहते हैं कि भोजन बनाता है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, तो उसमें फिर क्लोरोफिल होना चाहिए, सिंपल सब्सटेंस होने चाहिए, तो वो कैसे करता है वो हम आगे देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं अपना खुद का फूड, भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना भोजन बनाते किससे? सिंपल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो सिंपल सब्सटेंसेस भी होते हैं ये और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन, तो वही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। और वो भी कब बनाते हैं? जब लाइट, लेकिन इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो, और बेसिक सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अवेलेबल हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अवेलेबल हो, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो भोजन अपना, जो प्लांट है वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे। तो इससे एक बात निकल के आती है कि आफ्टर सनसेट, जैसे ही सनसेट होता है तो उसके बाद में प्लांट में भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? जबकि उस समय भी आपके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर भी होता है, लेकिन क्योंकि सनलाइट नहीं होती, जब सनलाइट नहीं होगी तो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्लोरोफिल, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या है, खाना नहीं बनेगा। आपको पता है कि आपका एक बर्तन है और उस बर्तन में आपने सब कुछ डाल दिया, मसाले भी डाल दिए, अनाज भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन आपने उसको नीचे जब रखा तो गैस तो जलाई नहीं, तो क्या क्या खाना बन जाएगा? खाना तभी बनेगा जब आप उसको नीचे से एनर्जी देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से एनर्जी की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए। तो सनलाइट क्या है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कब मिलती है? डे टाइम में मिलती है। तो जब सनसेट हो गया तो वो एनर्जी मिली नहीं, तो बाकी सारी चीजें, तो जैसे चूल्हे में को जलाए बिना आप खाना नहीं बना सकते, ऐसे ही प्लांट भी जो है वो भोजन नहीं बना सकते, तो उसको सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर सनसेट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। सो द प्लांट्स आर यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलरिंग मैटर। और इसलिए क्या होता है, प्लांट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है, कब? जब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वी कैन नाउ डिफाइन फोटोसिंथेसिस फॉलोज। अब देखिए फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया गया है, नीचे देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का भोजन बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज, जो वो भोजन बनता है वो ग्लूकोज होता है आपका, उसको हम, वो स्टार्च फॉर्म में होता है। कहां, कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से। इस्तेमाल किस का क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं, जो कि, और वो भी कब? जब क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, इस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटो कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई गई। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपको पता है एयर में रहती है, इसके बाद में वाटर जो उसको मिट्टी से मिल जाता है जड़ों के द्वारा, फिर क्लोरोफिल जो होते हैं पत्ती, ग्रीन ग्रीन जहां होता है जहां क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन दोनों के मिल जाने से और इस सनलाइट की एनर्जी से इसमें एक रिएक्शन होता है, तो उससे बनता, दो चीजें बनकर के आती हैं। एक तो आपका ग्लूकोज बनता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट फूड कहते हैं, स्टार्च फॉर्म में होता है ये, और दूसरा आपका बनता है ऑक्सीजन। और ये एक ऑक्सीजन गैस जो होती है, ये जब इन दोनों के बीच में इस एनर्जी की वजह से एक रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो तो आपका ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि फूड फूड होता है। ठीक है, स्टार्च फॉर्म में, और के साथ साथ में एक गैस भी रिलीज होती है, वो होती है O2 ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये जो है एटमॉस्फेयर में वापस स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने एक नाम लिया स्टोमेटा, आपको बता दूं कि स्टोमेटा जो है वो एक पोर्स होते हैं आपके लीव्स के अंदर होते हैं, जिनसे ये गैस रिलीज होती है, और उन्हीं से जो है ये CO2 अंदर आती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है,
सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, और इसलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू एयर, हवा में चली जाती है। द ऑक्सीजन गैस रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड, और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब नीचे एक डायग्राम भी दिया गया है जिसमें यह बताया गया। देखिए ये आपका एक पौधा है, ये मिट्टी है, इसके नीचे ये देखिए छोटे ड्रॉपलेट्स जो दिख रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ पर ये आपका रूट दिख रहा है, ये जड़े हैं। जड़े क्या करती हैं, यहाँ से ये वाटर ड्रॉप यहाँ से पानी को लेती हैं और ये सीधे चला जाता है, ये पानी पहुंच जाता है पत्तियों तक भी, इसके बाद स्टेम से होता हुआ, और ये आपकी ग्रीन पत्ती है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अंदर आई, यहाँ से पानी होता हुआ अंदर आया, सनलाइट, इसके अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्लोरोफिल की वजह से, ये करते हैं सन सूर्य से एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है इन दोनों के बीच एक रिएक्शन होता है इस एनर्जी की वजह से, जिससे फूड ग्लूकोज बनता है जो इसमें स्टोर रहता है, और एक ऑक्सीजन वापस यहाँ से निकल करके बाहर एटमोसफेयर में आ जाती है, विच इज यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप देखिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस करता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं फूड के रूप में, ये बात ध्यान रखने की है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले प्रोड्यूस क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं एज फूड। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देखें, ये देखिए ये है, यानी कि यहां पर एक चीज समझने की ये है, इसको देखें नीचे आप, ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको और फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के 12 मॉलिक्यूल से मिल जाते हैं, तो जब इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, और उस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स जो है, ये नीचे वाले जो है ये एटम है, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यानी H2O ये एक एटम है, वाटर का एक एटम है ये आपका। ठीक है, ऐसे 12 एटम मिल करके जो है ना ये जो है ना ये एक मॉलिक्यूल बन गया आपका, सॉरी एक हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, और ऐसे ये 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का एक एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और पानी के ऐसे 12 मॉलिक्यूल्स मिलकर के सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो C6H12O6 यानी कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड H2O 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी इसके साथ ही रिलीज होता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वापस आते हैं हम, द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स। अब जब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट निकलता है तो ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ये फिर क्या करता है, बदल जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। दिस स्टार गेट्स स्टोर्ड, अब ये स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है फूड के रूप में प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में जिसमें पत्तियां भी शामिल होती हैं। तो किचन हाउस भी हो गया, वो जहां भोजन रखा जाता है उसको हम किचन हाउस बोलते हैं, तो लीव्स वो उसका जो है ना आपका जो है किचन है, स्टोर हाउस है, सॉरी भोजन जहां रखा जाएगा वो स्टोर हाउस है, तो किचन हाउस भी आपकी पत्ती है, क्योंकि वहां पर खाना कहाँ बनता है, किचन बनता है ना, तो सबसे ज्यादा जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है, पत्तियों बनता है, इसलिए वो पत्तियां जो है वो आपका किचन हाउस हो गया। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, लेकिन लीव्स के अंदर जो स्टार्च उपस्थित होता है शोज द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, वो ही दिखाता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। सम ऑफ द ग्लूकोज आल्सो कन्वर्ट इनटू, कुछ ग्लूकोज में से जो है वो